और अभी ग्वालियर आए थे पर ग्वालियर में कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान नालायक बोलो मैं नालायक हूं क्या? अरे तुम करने का खंडा माफी का बाबा करो पर भाव ना निभाओ। तुम नालायक हो, तुम फसल तुम लायक हो, तुम फसल बीमा योजना के पैसे खा जाओ। 2200 करोड़ रुपया खा गए तो मैं आज प्रीमियम जमा नहीं किया था तो 18 का फसल बीमा योजना नहीं मिलता, पैसा नहीं मिला था। मैंने आते ही मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया जमा करके फसल बीमा योजना के 3100 करोड़ रुपया दिलवा दिए। वो फसल बीमा का प्रीमियम खा जाए वो लायक है, और हम जो इतना बीमा योजना का पैसा दिलवा दे हम नालायक है मेरे बहन और भाई। उन्होंने कहना चाहता हूँ मेरे बहन और भाइयों, अनेकों वचन तोड़े गरीब पीढ़ियों की शादी में कहा था 51 डाल देंगे, शादियां हो गई फूटी पाड़ी नहीं दी। महाराज को कहते बेटा बेटी जी हो गए उनके पैसा नहीं आए। आप बताओ जो कन्यादान योजना का पैसा खा गए हो वो लायक थे पर शिवराज सिंह तो हम नालायक थे। मेरे बहनों और भाइयों 750 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डलवाए और जलवाए कोई चिंता ना करे, अगर कहीं चूक हुई है तो फिर से जांच करवाई जाएगी। फिर से जांच करवा के किसानों को न्याय प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और चिंता मत करना, फसलों को अगर नुकसान हुआ है तो सर्वे होके जिनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है उनको राहत राशि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।